नमस्ते। वो जो अपने जगत में, काव्य जगत में शिखर पर हैं और जिनके नाम में कुछ ऐसा है जो हर व्यक्ति शीश नवाता है। शंभू शिखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शंभू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज खुलके पर खुलकर बात करने के लिए शंभू जी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो वार्तालाप होगी वो बड़ी खुलकर होगी। हाँ, आप नहीं भी उम्मीद करते तो मैं यही करता। सबसे शुरुआत का जो पहला प्रश्न होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में लोग जानना चाहते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि शंभू के पीछे शिखर कब जुड़ा। ये 9वीं क्लास में, दरअसल खुलके जब चैनल पर हैं तो मेरा नाम जो है वो शंभू चौधरी करके नाम मैं लिखता हूँ, पेन नेम मेरा शिखर है। लेकिन ये शिखर कैसे आया, तो उसके पीछे सिंपल सा था कि उस टाइम पे जो फिल्में बनती थी उसमें शंभू ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो हलवाई होता था, बहुत ज़्यादा हुआ तो गुंडा होता था। बिल्कुल ठीक है शंभू दादा। हाँ, नहीं तो वो देखा होगा आपने कि वो कोई कर्मचारी है, कोई हलवाई है, कोई वो ड्राइवर है, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। तो हमें जो हमारे साथ के बच्चे थे ना, वो हमारे नाम के कारण वो कई बार हमको चिढ़ाते थे, खासकर लड़कियां। अच्छा। तो हमने कहा कि इससे बचने का एक तरीका है कि इनको नाम अपना शंभू बताओ ही मत। ओ भाई, कोई पूछता था हमसे तुम्हारा नाम क्या है तो हम उसे शिखर बताते थे। अच्छा। बाद में हम शंभू शिखर हो गए। मतलब शंभू शिखर बनने के पीछे लड़कियों का हाथ है। हाँ। एक, एक, एक जो खास बात यह है कि जब आप जब स्टेज पे खड़े होते हैं और अपनी जुल्फों में जब ऐसे ऐसे उंगलियां आप फिराते जी, हैं जी, जी। और उसके बाद जो तालियां बजती हैं, आप ये उंगलियां फिराना, ये वो वाली जो शायरी है आपकी, वो एक बार प्लीज। वो शायरी तो देखिए उसमें कई कई सारी शायरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक तो पहली बार जब मैंने शायरी को लिखा था वो दरअसल ऐसा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होना था। अच्छा। और एक चैनल पर, देश के बड़े प्रतिष्ठित चैनल पर, एक जो है वो घमासान था भारत के शायर और पाकिस्तान के शायर। हाँ हाँ। वो वहाँ का एक दुनिया टीवी है, उसके साथ वो थे और यहाँ के अपने चैनल के साथ हम थे। तो वो भी लाइव जुड़े हुए थे और हम भी अपने स्टूडियो से लाइव जुड़े हुए थे। हाँ। तो क्या था कि वो लोग जो है ना, उनकी कॉमेडी जो है वो दरअसल कटाक्ष करते हैं आपके बनावट पर, आपके रंग रूप पर, आपके हुलिये पर, इस तरह का कटाक्ष उनका ज्यादा रहता है। क्योंकि हाँ। वहाँ पे जिस तरह के भी आपने थिएटर देखे होंगे। हाँ हाँ हाँ। हमारा मामला थोड़ा अलग तरह का रहता है। हम लोग बहुत सारी चीजों पे हास्य व्यंग करते हैं, सरकार पर भी करते हैं, तो वहाँ पे तो संभव ही नहीं है। सरकार हो तो करे, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया तो वही नहीं रहेंगे। तो इसलिए क्या था कि एक सीन था कि भारत पाकिस्तान के शायर और दिल्ली के और आसपास के देश के बड़े कवि इधर लगे हुए हैं। तो मैं लगातार जो है कुछ कुछ सुना रहा था कि भाई हमारी बुमराह की जो गेंद है वो तुम्हारे नाक तोड़ देगी, कोहली का जो छक्का है सीधा लाहौर में गिरेगा, और इस तरह का जो है वो अनुष्का भाभी भी तब तक क्रिकेट में तो नहीं लेकिन मतलब मैदान में और चर्चाओं में आ गई थी। तो पाकिस्तान को याद दिला देंगे वो, मतलब ऐसा ऐसा खेल तेवर, और जब मैदान पर उतरेंगे अनुष्का के देवर, ऐसा ऐसा करके हम लोग खूब हंसी मजाक कर रहे थे बहुत सारा। कि उनका जो बाबर आजम है क्रिकेटर, हाँ हाँ हाँ। बाबर है, उसको तो हमारा जो मोहम्मद शामी है वो ऐसा उसका विकेट उड़ा देगा उसको, ये सब हम लोग हाँ। है ना करते थे। तो उसमें अचानक से क्या हुआ कि एक आदमी बोला कि यार ये आदमी बहुत बोल रहा है, थोड़ा इसका बाल वाल कटवाओ, बाल कटाओगे तो थोड़ा हवा हवा जाएगा, इसका दिमाग खुलेगा। अच्छा। तो मैंने उसी टाइम पे, आपको याद होगा कि एक बिग बॉस में एक महिला आई थी डॉली बिंद्रा, बहुत तेज तरार बोलती थी, वो चीखने चिल्लाने वाली। वो चीख चिल्लाती कब थी, पहली बार कब चिल्लाई थी, किसी ने उनके पिताजी के ऊपर कोई कमेंट किया तो वैसे बाप का नाम नहीं लेना, तो ऐसा वो करती थी। तो जैसे ही वो बोले कि इसके बालों बाल 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 कटवाओ, इसका थोड़ा हवा हवा लगे, तो मैं बोला बाल पे मत जाना, बाल पे मत जाना। और उसी टाइम तुरंत मैंने कि दुश्मन जो देश का हो उसे पल में पटक दूं, जो फालतू बोले मैं उसे एक रपट दूं, बालों को मेरे ऐसा वैसा मत समझना तुम, दो चार खिलाड़ी तो मैं जुल्फों से झटक दूं।
तो बालों में उंगली का वहां से पहली बार आया। फिर उसके बाद योगी बाबा की सरकार बनी तो मैंने वही फिर जुल्फों में उंगलियों को फिराने में। अब ये क्या है, ये कि पोएट्री में प्रॉप जो है ना, तो हमारे पास जो जो प्रॉप उसका यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां से शुरू हुआ। ये बहुत अद्भुत प्रॉप है ये। ये 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 जो योगी बाबा वाला था वो भी आप प्लीज पूरा सुनाएं। जब पूरा सुना दे चलिए। अब हालांकि वो हम कम सुनाते हैं लेकिन फिर भी आपने कहा है तो, कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। बहुत 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 अद्भुत। मैं ये जब काव्य है, काव्य में जो है कॉमेडी है, आपने इतनी पैरोडी लिखी, मुझे लगता है कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अगर आपका नाम भेजा जाए तो उसमें भी आ जाएंगे आप। नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो हम लोग जो खासकर हास्य कलाकार है, मैं तो अपने आप को एक ना दिहाड़ी मजदूर की तरह समझता हूँ। भैया ये काम कंस्ट्रक्ट करना है, इसको फटाफट किए और आगे बढ़े। एक्चुअली क्या है कि मैंने एक रेडियो चैनल के लिए मैंने 18 महीने तक लगातार काम किया, जिसमें रोज 10 मुक्तक मुझे सुनाने होते थे, डेली, एक दिन भी नागा नहीं जाता था। तो 10 जो है रोज सुनाना, मतलब 18 महीने, तो दरअसल काम किया और भूल गए। एग्जैक्टली हाँ, कल क्या करना है ये पता नहीं। जो पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, जो लाइव शोज होते हैं, जो बहुत सारे लोग देखते हैं, कहते हैं कि ये चीजें बार बार सुनने को आती है, दरअसल वो स्क्रिप्ट अलग है। और जो टीवी चैनलों पर जो एकदम जिसे कहते हैं ना कि तात्कालिक उसी टाइम आशु कविता, ये सब वो बिल्कुल अलग है। मैं न्यूज चैनल के कितने एपिसोड किए, इसकी मेरे पास में कोई मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। 100 से ज़्यादा एपिसोड तो मैंने लपेटे में नेताजी के किए होंगे, 40-50 एपिसोड मैंने आज तक के किए हैं, मतलब बड़े बड़े चैनलों पर खूब किए हैं। बहुत सब टीवी के शुरुआती दिनों में मैं करता था, स्टार वन जब होता था, स्टार प्लस, उस पर किया खूब, फिर बहुत सारे ऐसे किया। और इस सब को मेरा कभी भी मकसद ये नहीं रहता कि किसी बुक में आना है या किसी भी जगह पे अपना नाम रेखांकित करवाना है। हाँ इतना जरूर रहता है कि मेरी जो ऑडियंस है, हर किसी की अपनी ऑडियंस होती है, मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे संतुष्ट रहे, उसके लिए मैं जिसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके प्रति मैं अपने मन में एक श्रद्धा का भाव भी अपने मन में मैं महसूस करता हूँ, तो उन लोगों को मुझसे शिकायत ना हो, ये मेरी कोशिश रहती है। एक एक बहुत लंबी जर्नी हो गई है, शंभू जी का नाम, शंभू जी का काम सब लोग देखते आ रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी, जब आपको कभी किसी ने तो बताया होगा या सराहा होगा कि बाबू अच्छा लिखते हो, बाबू बढ़िया जो है क्या नाम है गा लेते हो या कुछ ऐसा, कहाँ से शुरुआत हुई? हाँ देखिए, ये तो शुरुआत दरअसल मैंने जैसा आपको शुरू में बताया स्कूल टाइम पे, तो हमारे स्कूल में जब मैं 11th में पढ़ता था तो कवि सम्मेलन हुआ। उसको मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मैं ये भी बताऊं आपको कि बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज में डालना चाहिए, क्या पता उसके भीतर कौन सा गुण छुपा हो और कब बाहर आ जाए। वो कवि सम्मेलन सुनना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने उसको सुना और फिर वहां से मैं ऐसा निकला धीरे 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 होते होते। और फिर जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में जाता था, तो वहाँ पे जो हमें जज करने आते थे, तो कभी अरुण जैमिनी आते थे, कभी ऋतु गोयल जी आती थी, कभी सुरेंद्र जी आते थे, कभी शेर जंग गर्ग जी आते थे। उन्होंने बहुत तारीफ की थी मेरे शायरी की, वो अब रहे नहीं, वो मैं उस टाइम पे गज़लें सुनाता था, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। कमला नेहरू कॉलेज में, हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज में कॉम्पिटिशन था, प्रथम पुरस्कार भी दिया और उन्होंने बहुत सराहना की। ऋतु जी दी ने मुझे बहुत जगह पे फिर बुलाया, अरुण जी ने सुना और अरुण जी ने कहा रहे तुमको तो कभी सुनने में आना चाहिए, विनय विश्वास जी, ये लोग मतलब हमें सुनते जज होते थे। Exactly. वहीं से धीरे धीरे प्रेरणा मिली। फिर मुझे अचानक से ही शैलेश लोढ़ा जी का मुंबई से कॉल आया कि तुमको आना है, और उस टाइम पे वाह वाह क्या बात है ये चलता था, उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पर मैं गया। और ये सब चीज़ें देखने में बहुत सरल सहज लगती है, मुझे भी बहुत सरल सहज लगती है, लेकिन हरिवंश राय जी की एक लाइन है जिसमें कि अलग अलग सब राह बताते, मैं बस इतना कहता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो मैंने जीवन में कभी नौकरी करने की कोशिश नहीं की, मेरे हिस्से में कोई भी नौकरी नहीं है,
कुछ दिन ट्रायल बेस पे, कुछ दिन इंटर्नशिप बेस पे, कुछ कुछ छोटा मोटा किया भी, इंटर्नशिप की मैंने, जब मैं पत्रकारिता भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ मैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से 6 महीने का डिप्लोमा मैंने इसमें किया तो फिर उसका हिंदुस्तान अखबार से, दैनिक जागरण अखबार से, मुझे देखो मतलब याद आ रहे हैं ऐसे छोटे छोटे टाइम पे बड़े लोग, अनिल आर्य जी दैनिक जागरण के वो ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, ब्रांड मैनेजर होते थे नोएडा में, पूरा दिल्ली NCR, और उनको युवाओं को लेकर के, बड़ों बच्चों को लेकर के पढ़ाने का बड़ा शौक था। हमें उन्होंने खुली छूट दे दी थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, जितने कभी सम्मेलन करने करो मैं सबको कवर करूंगा, सब में फंड करूंगा, सब में फाइनेंस करूंगा, नए लोगों को लाओ, खूब बच्चों को मौका मिले। हम लोगों की 20-25 लोगों की एक नई टीम बन गई, नई पौध के नाम से हम लोगों ने एक अपना एक सर्कल ही खड़ा कर लिया, ये सब चीज़ें। तो वो सब बस होते 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 यहाँ तक आने की यात्रा में एक चीज़ जो मैंने अपने जीवन में सीखी और जो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत शॉर्ट टर्म नहीं होती। किस्मत आपको एक बार, दो बार, तीन बार आपका साथ दे सकती है, मेहनत हमेशा आपके साथ देगी। बिल्कुल सही बात है। मैं, मेरे बाबा जी कहते हैं शंभू जी, उन एक एक लाइन बोलते थे हमेशा कि हौसले को खुद से जुदा न करना और हार कर कोशिशें कभी कम न करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतबार करना और सब्र से उस वक्त का इंतजार करना। क्या बात, मतलब वो कुछ ऐसी बातें होती हैं बड़े बुजुर्गों की जो अपने पास रह जाती हैं, मेरे पास ये रह गई और मुझे जो है जब भी हौसला मेरा टूटता है कहीं पे तो मैं ये सुनता हूँ और वो करता हूँ। हम लोग जितने लोग हैं जो अपनी क्रिएटिव फील्ड में खास तौर पे हैं, कई बार होता क्या है कि क्रिएटिव फील्ड में आप आते हैं, आपको खुद ही समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से कैसे विस्तार करें अपना। देखिए वो होता चला जाता है, इसके लिए कोई आचार संहिता नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। एक नदी जब पहाड़ से उतरती है तो आप देखिए कि उसकी कोई धारा निश्चित नहीं होती, वो पत्थरों से टकराती है, वो जंगलों से गुजरती है, वो पेड़ों को उखाड़ती है, वो मैदान को बाढ़ लाते हुए, लेकिन जब वो पूरे पहाड़ से उतर करके पूरे मैदान पर पहुँचती है तो वो दो धाराओं में बीच में रहना सीख जाती है, दो किनारों के बीच में रहना सीख जाती है। तो क्रिएटिविटी का कोई भी, किसी भी तरह का कोई आचार संहिता नहीं है, बिल्कुल ठीक। लेकिन है क्या है ये कि आप मुंबई जाएं और मैं कहूं कि मुझे हीरो बनना है तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई भी नहीं होगा। इस बात को पहचानना कि भाई हीरो के लिए जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकता के पैरामीटर पर क्या मैं खड़ा उतर रहा हूं, ये अगर एनालिसिस करना आ गया, और ये वो हर आदमी कर सकता है जिसको ठंडा और गर्म में फर्क करना आता है, जिसको ये पता है कि ये पानी का रंग पीला है ये लाल है, अगर इतना फर्क आपको आता है तो आप इस चीज का सहारा लीजिए, इस चीज को समझिए कि भाई आप क्या बन सकते हैं। मैं एक पल को कहूं कि भैया मैं कॉमेडियन बन सकता हूं तो चलो लगेगा कि चलो बन सकते हो, एक पल को मैं ये भी कहूं कि भाई मैं एक जो है ऐसा व्यक्ति बन सकता हूं जो कहीं बैठा हुआ है अपना भांग धतूरा पीस रहा है, वो भी बन सकता हूं। आपके व्यक्तित्व पर कौन सा रोल सूट करेगा इस चीज़ को अगर आप समझ जा रहे हैं तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जिसको जो मल्टी टैलेंटेड हैं तो अपवाद नियम नहीं होते। एग्जैक्टली है ना, तो अपवाद नियम नहीं होते इस चीज़ को मानते हुए कि अगर कोई लड़की सुंदर होना अलग बात है, मॉडल होना अलग बात है, exactly. इन दोनों चीजों के बीच के भेद को, फर्क को समझना और फिर अपने आप को उसमें ढालना, exactly. बस ये एक मुख्य काम है। हम लोग जो अब तक के उसमें आपने हजारों प्रोग्राम्स किए होंगे, बहुतों को हंसाया होगा, लाखों लोग आपके आज भी अलग अलग जगहों पे आपके फुटेज देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अगर नॉर्मल बैठे हुए हैं तो उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है। कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई शंभू शिखर को खूब हंसा गया हो किसी पे, कुछ ऐसा हुआ हो कि शंभू शिखर? अरे बहुत ऐसा होता रहता है कि तो कोई बहुत होता रहता है, दो बार अगर जो है क्या नाम इंसिडेंट, देखिए ऐसे तो याद तो बहुत सारा नहीं आता लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिनचर्या में लोग मिलते। एक तो क्या है कि मैंने अपने आप को इस रूप में ढाला है, इस रूप में प्रस्तुत किया है कि कोई भी व्यक्ति बड़ी सहजता से मुझसे मिल सकता है, एकदम मेरे पास कोई बैरिकेड नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहे,
कोई व्यक्ति ऐसा जो कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे पास समय रहता है, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है आइए मिलिए, घर बैठिए खाइए बैठिए बात करिए, बहुत सारे लोग। अब हालांकि फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं बहुत सारे लोगों को इंटरटेन नहीं कर पाता, लेकिन बातचीत का लेवल किसी से कम ना हो ये ऐसा नहीं होता। सबके साथ में मिलकर रहना, अपने अपमान को सहने की क्षमता क्या हो सकती है उसको हमेशा बड़ा और बनाए रखना। आपका सम्मान जितना बड़ा होगा आपका अपमान करने के लिए भी उतनी बड़ी चीज की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। आप अगर बहुत जल्दी जल्दी अपमानित हो जा रहे हैं इसका मतलब आपका सम्मान बहुत छोटा है, जरा सी बात पर आप अपमानित हो गए। तो मैंने जो है अपना सराउंडिंग ऐसी बना रखा है, बहुत सारे लोग मिलते हैं खूब हंसाते हैं, कई चुटकुले सुनाते हैं, कई लोग ऐसे मिलेंगे कि भैया हमने ये चुटकुला सुना था, किस दिन आप सुना दोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो उस सब चीज़ों पे बड़ी हंसी आती है। ऐसे एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना अभी मेरे लिए थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन ये सब होता रहता है बहुत। और हंसा क्या मतलब भीतर से कई चीजें गुदगुदाती रहती है बड़े देर तक लंबे समय तक। एग्जैक्टली कई बार स्टेज पे कुछ ऐसा निकल के आता है जो बहुत देर तक, हमको ये बड़ी जिज्ञासा रहती है। हम स्टेज पे जब भी आप प्रोग्राम देखते हैं आप लोगों का, तो आप लोगों के स्टेज के पीछे से आप प्रोग्राम सुना रहे हैं तो पीछे जितने भी जो है कवियर लोग बैठे हुए हैं सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ जो है बता रहा है और हंस रहा है और वाह वाह चल रही है सारी चीजें। तो स्टेज के पीछे का जो माहौल होता है वो देखो मैं पब्लिक नहीं कर सकता खुल के है ये, खुल के तो है लेकिन क्या है कि कभी ना जो लोग कलाकार होते हैं जो मंच पे 5 कवि 6 कवि 10 कवि या 2 कवि भी बैठे हैं तो उनकी आपस की जो बातचीत होती है ना, और हमें ये पता होता है कि कोई जोक है, कोई आइटम है, कोई चुटकुला है, कोई वन लाइनर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इस शुरुआत को हम लोग कैसे लेकर के आए, उसको हम लोग निखारा कैसे, कौन सी बात बहुत पहले कहाँ कही गई और वो दबके रह गई। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती है, कई चीज़ ऐसी होती है। जैसे हमने मान लीजिए कि अभी मैं कुछ दिन पहले ग्वालियर में था तो वहाँ मैंने सुनाया, लोग बहुत हंसे। अगले दिन जो है मैंने सुनाया, कोई हंसा ही नहीं, तो पीछे वाले बात कर रहे थे निकल गई हवा इसकी यहाँ पे वो सब एक पीछे की ऐसी गॉसिपिंग होती है जिसको उजागर करना ठीक नहीं है। कोई प्यार की कविता सुना रहा था, समझ रहे तुम किसको सुना रहे हो, ये सब पीछे चलता रहता है। और बड़ा मेरे साथ क्या है कि मैं जितना काव्य पाठ मंच पर कवियों के लिए सामने श्रोताओं के लिए करता हूँ, पीछे वालों के लिए भी मैं जो है ना उतना ही उनको आनंद देता रहता हूँ। वो सब एंगेज रहते हैं तो हाँ, उनको एंगेज करके रखता हूँ। वही 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 हाँ, जैसे हम लोग तय करके रखते हैं कि आज ये सुनाना है तो अब वो लोग बार बार हाँ कब सुनाएगा कब सुनाएगा वो सब चलता रहता है, तो बड़ा आनंददायक होता है वो सब। शंभू जी के लाखों फैंस हैं, लेकिन उसमें से कितने लोगों को पता है कि उनको खाने में क्या पसंद है? अगर नहीं पता है तो आज जो है शंभू जी बताने जा रहे हैं। खाने में सब कुछ पसंद है मुझे, मतलब पहली चीज ये कि कोई भी ऐसी चीज जो खाने योग्य हो, बासी ना हो, खराब ना हो, तो मुझे खाने में सब पसंद है। उसके अलावा बहुत सिंपल और सादा खाना, भात मतलब चावल, दाल, भुजिया, भुजिया में मुझे 3-4 वैरायटी की भुजिया हो, खाली आलू की भुजिया से काम नहीं चलता है, करेले की भी हो, भिंडी की भी हो, तो मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत अच्छा कुक भी हूँ, बहुत अच्छा खाना भी बनाता हूँ। मैं अपने लिए भी खाना अगर अकेले रहते हुए भी मैं बनाता हूँ तो मान के चलो कि मैं 4-5 तरह की सब्जी बनाऊँगा, मतलब अच्छा। हाँ, परवल की भुजिया अलग बना ली, करेले की अलग बना ली, इधर गोभी की अलग बना ली, और ऐसे ना ये सब आधे घंटे में हो जाते हैं। दो तरफ गैस चढ़ा, एक तरफ काटा, एक तरफ लग रहा है हो रहा है, ये हो रहा है, स्टीम राइस में चावल पक रहे हैं, इधर दाल उबल रही है, हो गया। आधे घंटे 40 मिनट में कई 10-12 लोगों का खाना बन के तैयार। अरे वाह। तो ये एक, क्योंकि खाने में क्या है हर चीज़ का अपना स्वाद है, वो स्वाद ना मरे इसके लिए न्यूनतम मसालों का प्रयोग हो। अधिक नमक हो, अधिक मिर्ची हो, फिर वो ओवरलैपिंग कर लेता है, तो स्वाद को खत्म कर देगा। मिर्च का स्वाद रह जाएगा, नमक का स्वाद रह जाएगा, लेकिन आपको कटहल का स्वाद नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे खाने में जो है वो हरी सब्जियां बहुत पसंद है। अरे वाह। दो चीज़ें जब भी हम लोग जो है कवियों से बात करते हैं, आपस में जो है चीज़ें निकल के आती हैं,
तो एक सवाल आता है कि आपके पसंदीदा लोग जो आप जिनको बहुत एडमायर करते हैं, आपने कुछ लोगों का नाम बताया भी हमें जो आपके समय में जज हुआ करते थे, कुछ ऐसे कवि जिनको सुनने के बाद आपको लगता है कि यार ये हैं जिनको? हाँ देखो, बहुत सारे हैं। उसमें से नए लोगों में मेरा सबसे पसंदीदा कवि प्रियांशु गजेंद्र है, लखनऊ बाराबंकी से हैं। जी, जी, जी। उसको सुनना, मुझे कितनी बार भी सुनूं मुझे बहुत पसंद है। मतलब भीतर से मैं कई बार स्टेज से भी कह चुका हूँ और आपके सामने भी स्वीकार करता हूँ कि मुझे लगता है कि वो हमारी दौर का सबसे बेहतर कवि, बहुत बेहतर प्रस्तुतकर्ता, और एक तो सबसे अच्छा कि आदमी बहुत ही साफ, एकदम सटीक। आप उसके सामने जो है चिटपट ये वाला खेल नहीं कर सकते हैं, वो मुंह पे बोल देगा, एक सेकंड में बोल। तो उसके स्वभाव को जो लोग जानते हैं वो लोग उससे प्रेम करते हैं, जो लोग इस स्वभाव को नहीं जानते थोड़ा बहुत मनमुटाव रखते हैं, सब चलता रहता है। अमन अक्षर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं। मणिका दुबे बहुत अच्छा लिखती है, नए लोगों में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा अच्छा इनका कुछ कुछ आता रहता है। फिर पुराने लोगों में मुझे मनुष्य के तौर पर पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा बहुत ही बेहतर और बहुत ही, मतलब मैं उनके लिए क्या बोलूँ क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता, मेरे सबसे परम आदरणीय पद्मश्री अशोक चक्रधर, उनके भीतर चीज़ों को समझने की, उनके भीतर की गहराई, जितना मैं उनके पास बैठता हूँ, जितनी हमारी यात्रा होती है, जितना एक दूसरे को मैं हम समझने की अब मुझे उनका समय मिलता है, उतना समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। उनके भीतर बहुत कुछ है, इतना काम उन्होंने किया है, उसके बावजूद अभी बहुत कुछ उनके भीतर है, और अभी थोड़ी उनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी वो बहुत एकदम, मतलब क्या कहें, एकदम ऊर्जावान रहते, आनंददायक, मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। फिर अरुण जैमिनी जी, जिनके विषय में मैंने आपको बताया भी, अरुण जी मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही खास। और एक चीज़ मैं खुल के मैं आपको बताऊं, कवि सम्मेलन में कोई एकमात्र व्यक्ति जिसकी अथॉरिटी मैं अपने ऊपर महसूस करता हूं कि उन्होंने कह दिया ये नहीं करना तो नहीं करना, इन्होंने कह दिया ये करना तो करना, बात खत्म, नो क्वेश्चन, कोई इफ एंड बट नहीं। कुमार सर का बहुत योगदान, बहुत स्नेह और बहुत प्रेम, बहुत ही ज़्यादा, मतलब नए लोगों को बढ़ाने में शैलेश लोढ़ा जी और कुमार विश्वास जी, इन दोनों का बड़ा हमारे क्षेत्र में काम है, अद्भुत काम है। इतना मतलब उसको रेखांकित भी नहीं किया जा सकता, कितनी किताबें लिख लीजिए उनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों में बड़ी खासियत है कि जब भी मिलेंगे सबसे पहले परिवार के बारे में जानेंगे, घर के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है, इसके बावजूद कि पूरी दुनिया देख रही है कि मैं लगभग रोज़ कवि सम्मेलन कर रहा हूँ, रोज़ व्यस्त रहता हूँ, सबको जो मेरे आयोजक हैं उनको पता है कि मेरा मानदेय क्या है, मेरा पेमेंट क्या है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, कितना कमाता हूँ, सब देखते हैं। कैलकुलेटर लेकर के बैठता होगा मेरा एक आयोजक जो मुझे बुलाता है, तो वो सोचता होगा कि यार ये तो लाखों लाख रुपए महीने का कमा रहा है। उसके बावजूद जो बड़े लोग हैं वो पूछेंगे कि तुम्हारे कैसा चल रहा है, पैसे वैसे क्या है, बच्चों के लिए क्या कर रहे हो, घर के लिए क्या कर रहे हो, और कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो एक अपनापन है, एक जिसे कहते हैं ना कि एक जुड़ाव है, एक लगाव है। मित्रों में मेरा बहुत ही अच्छा मित्र सुदीप भोला, सबसे अच्छा कवि मित्र मेरा वही है ना, हेमंत पांडे, मतलब जिनके साथ मुझे बहुत मजा आता है, ये सब है ना, शशिकांत यादव जी, वो तो मतलब बिल्कुल बच्चे की तरह प्यार करते हैं और वो बहुत ध्यान और सम्मान देते हैं, बहुत प्रेम से मतलब चीज़ें। तो ये सब मेरे साथ में ना ऐसे कुछ मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग घुल मिल जाते हैं। तो अशोक चारण, दिनेश बाबरा, मेरा बहुत ही खास दोस्त दिनेश बाबरा गोरखपुर का है, और इतना फर्टाइल बंदा है, इतना मतलब आने वाले टाइम का बड़ा स्टार, अभी भी बहुत बड़ा है लेकिन आने वाले समय में उसका और बड़ा होने वाला है। उसके माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बड़ी बड़ी जगह पर, उसके गांव अभी मैं कवि सम्मेलन करने गया, उसके भीतर उसका गांव बचा हुआ है। तो इतने सारे लोग हैं मेरे छोटे भाइयों में, कमल आग्ने हैं, आप जानते हैं कमल आग्ने को, बहुत ही बेहतरीन कवि हैं है ना। फिर उसके बाद विकास बौखल हैं, ये सब बहुत सारे लोग हैं। मेरे पसंदीदा कवियों में सरिता शर्मा जी हैं, दिनेश रघुवंशी हैं, ये लोग मेरे बहुत ही जो है ना, मेरे जो सबसे नज़दीक, दिल के नज़दीक विनीत चौहान, ऐसा मतलब मैं दुनिया में किसी के साथ जो शेयर नहीं कर सकता हूँ विनीत जी के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मेरा एक ना भरा पूरा
एक जिसे कहते हैं कवि परिवार जो है ना, मुमताज नसीम जी हो गई, पद्मिनी शर्मा जी हो गई, गौरी मिश्रा हो गई, ये सब मेरे बहुत ही बेहतरीन मित्रों में से, और इन सब के साथ में बहुत सहज सरल आनंददायक रहता हूँ। एक मेरे बिहार का और एक लड़का आप सब जानते हो नीलोत्पल मृणाल, बहुत अच्छा लेखक और सबसे बड़ी बात बहुत चिंता दिल आदमी, उसके साथ मतलब घंटों घंटों हम फोन पे बतियाते हैं, बातें करते हैं, और प्रोग्राम में जब साथ होते हैं तो इतना हंसी मजाक और इतना आनंददायक चलता है। तो कवि परिवार बहुत समृद्ध है ना। इलाहाबाद के मेरा शैलेश गौतम, क्या मतलब उसको, तो उसको मिलते ही एक शब्द वो बोलते हैं सांगड़ी बिल्ला, उसका मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या है, लेकिन सांगड़ी बिल्ला और भाई सांगड़ी बिल्ला हो जाए ऐसा कुछ कुछ, तो कहीं कहता है अरे यार क्या बताए सांगड़ी बिल्ला हो गया, मतलब वो ऐसा वो बोलते तो वो है, मतलब ऐसा इतने सारे लोग हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। चेतन बहुत ही प्रिय छोटा भाई अपना बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत उसमें संभावनाएं हैं, इतने सारे लोग हैं जिसके विषय में क्या, परिवार आपका बहुत संपन्न है। हाँ अरे परिवार बहुत संपन्न, बड़ा जुड़ा हुआ है एकदम, ऐसे जैसे ना इंटरलॉक लगा हुआ जिसको अलग करना नामुमकिन सही है। आपका पैर धरातल पे रहता है, आपके अंदर से भी गांव निकला नहीं है, आपके अंदर से भी वो प्रेम। हाँ तो कहाँ जाएगा वो, देखिए वो कहाँ जाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं कई लोग होता है थोड़ा सा प्रसिद्धि मिलती है वो उड़ जाते हैं वो। नहीं देखिए एक चीज मैं आपको बता, दुनिया में गॉसिपिंग चलती रहती है, मैं कहता हूँ ऐसा आदमी ढूंढ के दिखाऊं ना, नहीं मिलेगा। आपसे मैं एक चीज पूछूं कि दुनिया अच्छी है या बुरी, तो आप बिना सोचे कह देंगे बहुत बुरी है। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं कि आप कितने बुरे लोगों को जानते हैं जिसके आप संपर्क में हैं, तो आपको ढूंढने लगेंगे तो अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा निकलेगी, बुरे लोगों की आप ढूंढते रह जाओगे फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई आपको दिख जाएगी। क्या बात, दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, सभी के अंदर उसका गांव है, सभी के अंदर उसके अंदर माता पिता है, सभी के अंदर संस्कार है। कई बार क्या होता है, मैं आध्यात्मिक थोड़ा जीवन जीता हूं, कई बार क्या होता है कि हमारा पता नहीं कौन सी कही गई कौन सी बात किस समय पर आपके मन में आकर के वो एक स्टॉक डाले और आपका कोई पुराना गुस्सा दबा हुआ कुछ ऐसा निकल आए और आप वहां से मूव आउट कर जाएं, भाग जाएं, चले जाएं, निकल जाएं उस एक मोमेंट के कारण। तो इससे जज करना बड़ा मुश्किल है कि व्यक्ति लोग कैसे हो जाते हैं। सबके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी जिंदगी हर किसी की इस चीज में बीत जाते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने में। स्वामी विवेकानंद की जो शिकागो में मेरी एक किताब भी है सन्यासी योद्धा, उस किताब में मैंने स्वामी विवेकानंद की जो जीवनी के साथ साथ में शिकागो में जो उन्होंने भाषण दिया उसका क्या मूल था, क्या आसान भाषा में आसान शब्दों में क्या उसमें उन्होंने कहा, उसका क्या प्रभाव है, उन्होंने यही बात को बहुत जोर दे करके कहा था। उन्होंने कहा कि एक बात मान कर चलिए कि एक चोर जब चोरी करने जाता है तो वो कहता है ईश्वर मेरी रक्षा करना। बिल्कुल ठीक, तो वो ईश्वर को प्रणाम करके जाता है, उसकी भी कोई कुल देवी होती है, उसका भी कोई इष्ट देवता होता है जिसको वो अपने प्रणाम करके और चोरी करने जाता है। तो हमारे भीतर इतना ज्यादा धर्म आध्यात्म और इस प्रकृति के प्रति एक जो लगाव है वो सबके भीतर है। समय ने बदल दिया है, बहुत सारे लोगों को बदल दिया है, लेकिन वो सब वापस आएंगे, जुड़ेंगे, इस मूल से जुड़े बिना किसी का भी कल्याण नहीं है। अध्यात्म की बात की आपने, मुझको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी जितना ज़्यादा जो है, अभी सुरेंद्र राइटर सुरेंद्र सर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर किसी वैज्ञानिक को भी ले लेंगे तो वो अपनी जब चरम अवस्था में पहुँचता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। क्या ये जो विज्ञान और अध्यात्म आपके हिसाब से दोनों चीज़ें एक साथ चलने के, दोनों एक ही है ये, हम लोग अलग अलग इसको कर लेते हैं, ये दोनों अलग अलग थोड़ी है, दोनों एक है। बल्कि अध्यात्म जो है वो विज्ञान से थोड़ा ऊपर ही है। भाई विज्ञान क्या है, सेम काम को सेम तरीके से करने पर सेम रिजल्ट आए, विज्ञान है। सही बात, सिंपल ठीक है, है ना। अध्यात्म आपको क्या सिखाता है, जिसमें एक शब्द आता है योग, जब हम एक लेटर लिखते हैं किसी को भी
तो वो लिखते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई बेग टू से दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज रेफर ये वो कुछ भी। ये कभी भी अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हम ड्यू रिस्पेक्ट लिखेंगे, लेकिन अगर हमें उस स्कूल के गार्ड को लिखना पड़े तो भी हम ड्यू रिस्पेक्ट ही लिखेंगे, हम उसको अनड्यू या ओवर ड्यू रिस्पेक्ट नहीं लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि हम शिक्षा मंत्री को लिखने लग जाए तो हम लिखें कि विद ओवर ड्यू रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, और एक टीचर को या नीचे कर्मचारी को या गेट कीपर को लिख रहे हैं तो वहां लिख दें विद अनड्यू रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं, जिस सम्मान के योग्य आप हैं वो मैं आपको देते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि ये जो आध्यात्म है दरअसल इसको विज्ञान से इस तरह से जोड़ना वो एक तरह की बेवकूफी है। भाई वो तारा कैसे काम करेगा, सूरज से वो कितना दूर है और पृथ्वी पर उसकी रोशनी कैसे आएगी, इसका समय का पता आपने लगा लिया तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये आपका एक विज्ञान हो सकता है, एक आपका कैलकुलेशन हो सकता है, इसको आप आध्यात्म से नहीं कर सकते हैं। आध्यात्म जो होना चाहिए वो धर्म है, और जो है वो आध्यात्म है। आध्यात्म का मतलब है स्वीकारोक्ति, जो है उसको स्वीकार करना। विज्ञान तो खोज है, आध्यात्म का एक हिस्सा है, जीवन का एक हिस्सा है। ये सब चीजें तो एक नई नई चीजें हैं, मनुष्य के खाने पीने रहने की व्यवस्था पूरी हो गई तो अब वो उसमें कुछ कुछ करेगा, कुछ कुछ ढूंढेगा, पेट भरा है तो कुछ ढूंढना। विज्ञान कुछ परमाणु बम थोड़ी बना रहा है, वो खोज कर रहा है, वो खोज कर रहा है, वो कुछ अपनी तरफ से। आज तक बताइए कि इंसान ने कुछ भी अपनी तरफ से कुछ नया बनाया क्या? सब कुछ जो है जोड़ जाड़ सब यहाँ उपस्थित है, सब है, सब जो है बस उसको इसका नाम दे दिया कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसका नाम दे दिया कि भैया ये जो है ये फलाना है, ये ढिकाना है, ऐसा है, पर इसके अलावा कुछ नहीं। आध्यात्म को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं देखा जाना चाहिए, ये बहुत सरल और सहज चीज है। आध्यात्म का मतलब ये भी नहीं कि आप रोज पूजा करें, आध्यात्म का ये भी मतलब नहीं है कि आप हरिद्वार चले जाएं, आध्यात्म का ये भी मतलब नहीं है कि आप भजन में डूबे हुए हैं। आध्यात्म कुल मिला करके इन सब चीजों का सामंजस्य बैठा करके आप जीवन को कैसा जी रहे हैं और आप कैसा भीतर महसूस कर रहे हैं, यह आध्यात्म की पहली सीढ़ी है। क्या बात, अध्यात्म से वापस आज कॉमेडी की तरफ आते हैं। कॉमेडी एक अलग लेवल का अध्यात्म, एक अलग लेवल का अध्यात्म है। कहते हैं कि लोगों को हंसाना जो है सबसे कठिन कला है। अभी जो माहौल चल रहा है, जो चारों तरफ देखिए आप, चाहे रूस देख लीजिए वो भी लड़ाई कर रहा है, आप जो है चीन देख लीजिए, रूस वाला जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये मेरे को बताया किसी ने कि ये यूक्रेन को क्या करना चाहिए। तो मैंने उसे बताया कि बड़े बड़े टैंकर लेके और उसमें शैम्पू भर के और रूस पर छिड़काव करना चाहिए। उससे क्या होगा, शैम्पू से रूसी मरते हैं ना। तो ये बहुत गंभीर मसला है वैसे। नहीं ये ठीक है, ये वाकई जो है क्या नाम है, अपने आप में क्या छोटा सा शगुफा छोड़ा आपने, लेकिन कमाल का था ये, बड़ा तगड़ा व्यंग था। हम ये अभी आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या माहौल के हिसाब से आपने कुछ नया कुछ अगर बनाया हो तो दर्शकों को वो जी सुनाए। मैंने देखिए नया तो बहुत कुछ बनाया है, नया तो मैं आपको अभी सुनाता हूँ कुछ नया। कल परसों ही मैंने इसको अपने YouTube Facebook पे अपलोड भी किया है जी। तो नया तो देखो, मुझे आजकल जो है ना, ये जो गठबंधन की राजनीति चल रही है, जिसमें लालू जी गए थे यहाँ अपने पटना में, उन्होंने सबको बुलाया, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग पहुंचे, सब लोग आइए बैठिए यहाँ पे, बैठ करके राहुल जी की शादी पर उन्होंने डिस्कशन किया, हम बारात में जाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों डिस्कशन किया, ममता जी चाय बेचने लग गई, अभी देखा होगा बहुत वीडियो वायरल, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उनको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने का यही तरीका है, चाय चाय बनाओ चाय बेचो। तो मैं आपको सुनाता हूँ, हाँ, तो जो मैंने कुछ कुछ नया लिखा है, मैं दो मुक्तक आपको सुनाता हूँ कि पंचायती चुनाव में ये जाने लगी है ममता दीदी, आजकल पंचायती चुनाव
पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार आया है जी, 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 तो ममता जी को खुद से पंचायती चुनाव के लेवल पर उतरना पड़ा जी, कि पंचायती चुनाव में ये जाने लगी है, अपने ही साथियों पे ये खिसियान लगी है, पीएम के बनने का इन्हें बुखार चढ़ा है, अब ममता दीदी चाय भी बनाने लगी है, अब ममता दीदी चाय भी बनाने लगी है। तो ममता दीदी तो चाय बना ही रही हैं, लेकिन लालू जी ने जो कहा राहुल गांधी को कि देखो तुमको शादी कर लेना चाहिए था, गलती हुआ, अब भी मौका है कर लो, अपना मम्मी का बात नहीं मानते हैं, वो हमको बोली है कि हमारा बात नहीं मानता है, आप समझाइए कि बार ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि बारात के खाने का स्वाद हमको चखाओ, राहुल जी आप यूं ना अब बहाने बनाओ, मम्मी के न मानी तो लालू जी की मान लो, उनकी ही तरह एक क्रिकेट टीम बनाओ, उनकी ही तरह एक क्रिकेट टीम। लेकिन हमारे जो केजरीवाल जी हैं ना, वो भी गए थे उस मीटिंग में, गए थे कि सबको बुला, सबको नीतीश ने बुलाया हाथ जोड़ कर, लाल राहुल को लेने खुद गए सब काम छोड़ कर, सारे विपक्षियों ने मिलके खीर चढ़ाई, और केजरी जी आ गए नींबू निचोड़ कर, और के मेरी बात नहीं मानोगे लो साला लो के। तो ये जो है ना, देखिए कितना त्वरित है और एकदम हास्य का जो है ना मजा दे रहा है ये, अब कितना कितना सटीक है और आज के जो अभी सिनेरियो में चल रहा है जी, उसके बहुत करीब है। और मुझे लगता है जिन लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना होगा, देखा होगा, तो इसमें हर उस बात का जवाब है जो वो लोग जो है आपस में आजकल चाय के नुक्कड़ों पे चर्चा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं शमू जी, हम लोग जब भी जो है कवियों की बात करते हैं तो हमें उम्मीद, हम मतलब ऐसा बहुत पुराने समय से माना गया है कि जो चीज़, जो बातें लोग राजनीति में बैठे हुए लोग या फिर आपके पॉलिटिशियन हो गए या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उन लोगों के चाहे वो अच्छा कर रहे हों बुरा कर रहे हों, कई बार आप शब्द नहीं देते हैं लेकिन कई बार आपकी कविताएं पूरा पूरा इतिहास बदल देती हैं। देखिए ये तो जब जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया था और उन्होंने ये उनके क्या तो बढ़िया आंदोलन का नाम था उनका, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का जब उन्होंने नारा दिया तो उसका टैगलाइन क्या था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता आती है, सिंहासन खाली करो, दिनकर जी द्वारा लिखी गई कविता का एक अंश, एक लाइन है। तो कविता जो है वो आज से ही नहीं, सदियों से जो है वो, जब भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ रहे थे तो तब उन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला ये कविता उन्होंने गाई थी। जिस समय पर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को शब्द भेदी वाण से मारा था तो चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्छू को चौहान, और शब्द भेदी इस बाण से उन्होंने अंदाजा लगाकर मार दिया। ये सब जो है, बल्कि उससे और पहले चले जाइए आप तो जो अपने माता पिता को श्रवण कुमार लेकर के जा रहे थे तो उस समय पर राजा दशरथ जो आखेट के लिए शिकार के लिए गए थे तो उन्होंने पानी में घड़े भरने की आवाज़ को सुना तो उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई जानवर जो है वो पानी पी रहा है, बिल्कुल ठीक, और उन्होंने उस शब्द को ही वो करते हुए पहचानते और उस आवाज़ से और वहाँ पे उसको श्रवण कुमार को वान लगा, बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई। तो दरअसल कविता शब्द है, शब्द ब्रह्म है, ये दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होता, इसकी लेयर पतली होती चली जाती है, हमारी समझ से सुनने से पहुँच से दूर हो जाती है हम, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती है, इसकी लकीर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, जितनी मर्जी बारीक होती जाएगी लेकिन यह ख़त्म नहीं होगा। देयर इज़ नो ब्लैक होल जिसमें जाकर के ये सब समा जाए।
आज की तारीख में आप लोगों को, जो लोग थोड़ा साइंस को देखते होंगे, कि आज से कैलकुलेट किया जाता है कि आज से 100 साल पहले जब प्रथम विश्व युद्ध की बातें चल रही थी, ख़त्म हुआ था, तो उस टाइम पर पूरी दुनिया में शोर कैसा था, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे पता लगाया जाए, तो इसकी तरफ भी रिसर्च चल रही है। तो महाभारत के टाइम पर जो शंख बजते थे, जो तलवारें बजती थी, उसकी वातावरण में अभी तक गूंज जो है मौजूद है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारी रोज की बातचीत का भी यही हाल है। तो आप ये मान के चलिए दुनिया में कुछ खत्म नहीं होता, ये तो सब कुछ बढ़ता रहता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जिस समय आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस समय इंटरव्यू देते देते ये घटना घट गई कि मोदी सरकार ने गन्ने का मूल्य जो है वो 315 प्रति क्विंटल कर दिया। अब उन्होंने कर दिया तो मेरी भी कविता है, चीनी को जमा करके गन्ना बना दूं, तो अब मैं भी जो है ज्यादा पैसा लूंगा एकदम। लेकिन तो जो कवि है ना, वो दरअसल हमारे भीतर है, सबके भीतर, तुरंत मंत्र जैसा काम करता है, मारक काम करता है। तो कवियों की कोई कविता, कवियों की कोई पंच लाइन, कवियों का कोई टैग लाइन, ये सब निकाल करके और आगे बढ़ाया जाता है। और सबके भीतर कविता है, सबके भीतर एक साहित्य है, सभी के भीतर एक रिक्शा चला, रिक्शा के पीछे साला लिखा रहता है शेर एक से बढ़कर एक। बिल्कुल ठीक, आप पढ़े होंगे, है ना? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। रिक्शा चलाते हैं अनाड़ी ना समझना, ऐसा ऐसा कई कई तरह का शेर लिखा रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, खरीद लेंगे तुमको कवाड़ी ना समझना, जिसे ढूंढा गली गली मेरे घर के पिछवाड़े मिली, आज मेरे रिक्शा पर मिली, ऐसा भी वही 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 आज है ना, रिक्शे पर मिली। पहले जो जीजा साली को कि लिख रही हूँ खून से स्याही ना समझना, है ना, चला जा चिट्ठी फुदकते फुदकते जीजा जी को कहना नमस्ते नमस्ते, ये सब लिखा रहता है। exactly. तो हर किसी के भीतर कविता है, उसके अंदर जिस तरह का रस, एक्चुअली कविता है क्या, हमारे भीतर जितने भी रस, जो 9 रस हैं, उस रस में किस बात की प्रधानता कब होगी हमें नहीं पता। ठीक बात, हम कब जो है वो गुस्सा हो जाए, वात्सल्य में रहे, कब श्रृंगार में रहे, हमें खुद नहीं पता। उस रस का आवेग जो है ना, वो हमसे सब काम करवाता है। तो अब सरकार बदलनी है, सत्ता बदलनी है, या कहीं पर क्रांति लानी है, लोगों को इकट्ठा करना है, तो आपके भीतर उसी रस की कविता का आप वो करेंगे। तो इसलिए कवियों की कोई कोई बातें जो है वो पूरी दुनिया में इस तरह से छाती है। और एक कविता की एक लाइन ने पूरी दुनिया को गुलाम बना दिया, वो कविता है द वाइट मैन्स बर्डन, ये एक कविता है। उस वो इस एक शब्द ने कि ये जो व्हाइट मैन बर्डन, श्वेतों का ऊपर ये ईश्वर का अतिरिक्त भार है कि वो बाकी दुनिया को सभ्य करे, कल्चर्ड करे, इस एक लाइन ने पूरी दुनिया को गुलाम बना दिया। इसी एक लाइन को लेकर के ये यूरोपियन कंट्रीज के अंग्रेज लोग निकले कि ईश्वर ने कहा है ये तुम्हारे ऊपर एक बर्डन है कि बाकी सबको कल्चर्ड करो। और बाकी सबके कल्चर जो है, अब देखिए ना, कई वीडियो नामीबिया से आती है, साउथ अफ्रीका की कंट्रीज से आती है, वो बताते हैं कि हम ऐसे थे, अंग्रेजों ने हमारे साथ ये किया, हमारे ऊपर अपनी भाषा सौंप दिया, हमारे ऊपर अपना संविधान थोप दिया, हमारे ऊपर अपना कल्चर थोप दिया, हम कैसे थे, हमें तो खत्म ही कर दिया। तो ये सब बहुत तरह तरह की चीजें कविताएं करती रहती है। अभी जो नई पौध आई हुई है, जो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे 4 लाइनें लिखती है और कहती है कि भैया मैं तो जो है अब शायर हो गया, मैं तो ये हो गया, ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर वो वाकई जो है कविता के क्षेत्र में कुछ अगर करते रहें, सब लोग जो कर रहे हैं कोई सलाह नहीं है। जो अच्छा होगा वो निकल कर सामने आ जाए। हाँ, चीजें अपने आप काहे का उसको मना करें कि भैया तुम अपना जो डीबी डाटा जो तुम लगाते हो, जो जो डाटा में तुम भजन सुनो कि ये करो कि वो करो, जो करते हो करते रहो। बस एक चीज का ध्यान रखना, क्या अपने बच्चों को वो करते हुए देख पाओगे जो तुम कर रहे हो? अगर हाँ तो करो। क्या अपने माँ बाप के सामने वो कर सकते हो जो तुम कर रहे हो? हाँ तो करो। तुम्हारे भीतर एक सेंसर है, लोग कितने कितने कम कपड़ों में, लड़के भी लड़कियां भी नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, कोई बात नहीं, सबका अपना मन है, जो मन में आए करो। लेकिन क्या आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ ये शेयर कर पाओगे? और अगर कर पाओगे तो बिल्कुल बिंदास करो,
अंदर। फिर तो मैं कहता हूँ सनी लियोने बन जाओ। हाँ उसमें क्या है, अगर उसको स्वीकार तो है, वो कर रही है अपना, भाई मैं अपने पति के साथ बच्चों के साथ सब देख सकती, सारी दुनिया है ना देख रही है, कह रही है, तो उसको ये भी एक आध्यात्म है, एक स्वीकारोक्ति है। ये वस्त्र तो हमने बनाया है, ईश्वर ने थोड़ी आपको वस्त्र पहनाया है, उसने तो आपको ऐसे ही भेजा है, जाओ बाबा नागा बाबा घूमो। आज का जो दौर है शंभू जी, मैं अब खत्म की तरफ चल रहा हूँ, आज का जो दौर है, इस दौर में कई चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं सामने, जो खासतौर पे हिंदुस्तान में देखें, कई बार कई ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जो आपके मतलब कहानियाँ कविताएँ तो हर कोने में मिल जाएंगी आपको, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अक्सर जो है आप जिन पर चोट करते हैं और असर लाखों लोगों पर होता है। राजनीति हो गया, स्पोर्ट्स हो, अगर कुछ ऐसी एक कविता हो जो आप हम लोग को सुनाना चाहें। जी देखिए, एक तो पहली बात ये बताओ कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं, जबकि सबसे ज़्यादा शर्मीले, सबसे ज़्यादा संस्कारी, सबसे ज़्यादा धार्मिक हम ही लोग हैं। बिल्कुल ठीक। मैं सोचता हूँ कि अगर हम लोग ये नहीं होते तो आज हम दुनिया में कितने होते। इन लोगों को, जितने भी लोग हैं, देखिए उन सबको मैं एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ, वो मैं अपनी बात आपके सामने दो बात समझिए जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है, मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। क्या बात, जीवन में हंसी का लेवल जो है ना वो खूब बड़ा होना चाहिए। पर एक हमारे बड़े कवि राधेश्याम प्रगल्भ जी, आदरणीय अशोक चक्रधर के पिताजी, वो कहते कि दिन के उजाले में ना करो कोई काम ऐसा, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में ना करो कोई काम ऐसा, मुंह जो छुपाना पड़े दिन के उजेले में। क्या तो इस देश में अच्छे डॉक्टर कैसे आएंगे इसकी चिंता मेडिकल इंस्टीट्यूट करेगी, अच्छे इंजीनियर कैसे आएंगे इसकी चिंता इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट करेगी, अच्छे पॉलिटिशियन कैसे आएंगे इसकी चिंता पार्लियामेंट करेगी, लेकिन लोग अच्छे कैसे बनेंगे इसकी चिंता हम लोग करेंगे। और वही करते हैं, एक हंसता खिलखिलाता समाज कितना आसानी से अपना काम कर सकता है। बिल्कुल, हंसते हुए आदमी की जो परफॉर्मेंस है वो कमाल की होती है, हर क्षेत्र में तनाव रहित आदमी क्या बढ़िया काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसी बात पे कुछ तनाव रहित हो जाए। हाँ हाँ हाँ, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छाटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, बस इसलिए ही सबको। और देखिए कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहाँ में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ। क्या बात, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया शंभू जी आज इतना वक्त देने के लिए, और हम सबके साथ आपका ये जो समय आपने दिया है इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से और खुल के शुक्रगुजार हैं। मैं भी बहुत खुल के धन्यवाद करता हूँ आपका, और बहुत अच्छा लगा, और अधिक से अधिक लोग इसको देखें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और मुझे भी वो कुछ फीडबैक देते रहें मुझसे और वो क्या उम्मीद करते हैं, और मैं ईश्वर से बहुत कामना करता हूँ कि खुल के हमारा यह ऐप, हमारा एक प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में एक खुल के अच्छी आवाज़ का, सच्ची आवाज़ का, मानवता की आवाज़ का, और देश को सही दिशा में ले जाने की आवाज़ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर हर कोई आकर खुलकर अपनी बात कह सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।